हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको अपना एम्पियर चेक करके बताऊंगा, जो मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो कितना एम्पियर से चार्ज कर रहा है हमारा बैटरी को। तो उससे पहले, हमारे वीडियो पे आप नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप देख सकते हो मेरा ये सोलर सिस्टम है, जो कि ये मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये स्मार्टन का मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि 50 एम्पियर का है। और ये मेरा ल्यूमिनियस का सोलर इन्वर्टर है, 1400 मॉडल है मेरा, NXC 1400 मॉडल, जो कि मुझे इसका 1.5 साल हो गया परचेज़ को। और ये मेरा मेंस कनेक्शन है, यहाँ मैं मेंस को ऑफ रखता हूँ और मैं हमेशा सोलर से ही यूज़ करता हूँ। अपने घर का सारा उपकरण जो भी है मेरा यूज़ हो रहा होता है घर में, आपको आगे चल के वीडियो में वो भी दिखाऊँगा क्या क्या यूज़ करता हूँ, कितना लोड मैं इस पर डालता हूँ, और मैं आपको सोलर भी दिखाऊँगा। तो उससे पहले आप मेरा बैटरी देख सकते हो, 200 AH का टोल टूबलर ल्यूमिनियस का, जो कि 36 मंथ के साथ वारंटी आता है। ये मेरा ल्यूमिनियस का बैटरी है और ये मेरा सोलर बैटरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सोलर लिखा हुआ है और ये मेरा सोलर बैटरी है। सोलर बैटरी का फ़ायदा ये है कि जो हम अपना सोलर पैनल से चार्ज लेते हैं अपना बैटरी को, तो जल्दी चार्ज होता है, क्योंकि ये C10 बैटरी को होता है और नॉर्मल बैटरी जो होता है वो C20 होता है। तो वो भी चार्ज होगा हम यदि सोलर चार्ज कंट्रोलर से चार्ज करेंगे नॉर्मल बैटरी को, तो वो भी चार्ज होगा, लेकिन वो थोड़ा लेट होगा। तो ये फ़ायदा है कि हमारा जो ल्यूमिनियस का C10 बैटरी है सोलर चार्ज कंट्रोलर से जल्दी चार्ज होता है। और ये भी मेरा सोलर इन्वर्टर है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अभी चार्ज सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT से ले रहा हूँ और ये PWM है। तो हम MPPT और PWM में फ़र्क बताएं अपने पिछली वीडियो में, तो चेक कर सकते हो MPPT और PWM फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सोलर से वायर आया है, तो ये जो मेरा बिजली का बोर्ड है, समझ समझना कि ये इससे कनेक्शन है। ये मैं अंदर वायरिंग करके अपना ये DC वायर है, जो कि सीधे सोलर चार्ज कंट्रोलर में ऐड है, नीचे देख सकते हो आप। और एक है वायर बैटरी का, जो कि सीधे बैटरी में गया है, प्लस माइनस दोनों में। तो एक देख सकते हो इसमें दोनों दो दो वायर है, तो एक इन्वर्टर का है, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का है। जो इन्वर्टर का है वो आप देख सकते हो, ये थोड़ा मोटा है ये वाला है, और ये मेरा 10 SQM का कंट्रोलर में गया है, सोलर चार्ज कंट्रोलर में। तो ये यहाँ पे ये जो रेड प्लस देख रहे हो, प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, दो अलग अलग वायर है 4 SQM का इलेक्ट्रोटेक का। अब मैं आपको छत पे दिखा देता हूँ मेरा सोलर पैनल, उसके बाद मैं आपको एम्पियर चेक कराऊँगा अभी कितना एम्पियर दे रहा है। तो उससे पहले टाइम देख सकते हो, अभी दिन के करीब 11:06 हो गए हैं और घर का LED लाइट सब ऑन है और फैन भी चल रहा है। मैं आपको कितना फैन चल रहा है वो भी दिखा दूँगा। तो अभी पहले आपको छत पे दिखा देता हूँ पैनल मेरा कितना है। तो चलते हैं हम छत पे। अब तो छत पे हम आ गए हैं और मौसम देख सकते हो, बहुत ही तेज़ धूप है। आप देख सकते हो सूरज अभी आमने सामने है। ये है मेरा सोलर पैनल, अभी सोलर पैनल पे पूरा प्रॉपर धूप पड़ रहा है आमने सामने, यानी 11 बजे पूरा सामने से धूप पड़ रहा है। और ये मेरा सोलर पैनल जो है, ये मेरा करीब 25-26 डिग्री एंगल में मेरा सेट है और मेरा ये प्रॉपर पूरा स्टैंड के साथ सेट है, आप देख सकते हो। और यहाँ मैं जो मेरा DC वायर है, MC4 कनेक्टर है, पूरा हम कनेक्टर के साथ यूज़ किए हैं अपने कनेक्शन को, ताकि मेरा कनेक्शन कहीं लूज ना हो और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे शॉर्ट सर्किट का। तो हम चलते हैं, आपको बताने वाले थे मेरा कौन सा पैनल है। तो ये मेरा जून सोलर पैनल है, जून सोलर कंपनी है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी है। ये 200 वाट का है, ये 12 वोल्ट का है, और ये 200 वाट का, ये 180 वाट का है। तो दोनों को मैं सीरीज किया हूँ और वो मेरा है 24 वाट का, सॉरी 290 वाट का है 24 वोल्ट का। तो इसको मैं 24 वोल्ट बना करके पैरेलल किया हूँ दोनों को, और इसका एम्पियर जो है वो करीब 8-8.5 एम्पियर तक देता है। और ये जो पॉली पैनल है और ये जो मोनो पैनल है, ये करीब 9.5-10 एम्पियर तक देता है। तो अभी ये लगभग 9 एम्पियर पूरा तो नहीं, लेकिन 8 एम्पियर तक दे रहा होगा, और ये भी करीब 6-7 एम्पियर दे रहा होगा। तो हम अभी इसका जो टोटल एम्पियर है वो अपने डिस्प्ले में चेक कर लेंगे और वो कितना बूस्ट होकर चार्ज हो रहा है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। तो आप नीचे से भी देख सकते हो, इस टाइप से नीचे से पैनल दिखता है, इस टाइप का पैनल। और ये मैं लोहे का स्टैंड बना के सेट किया हूँ, और यहाँ देख सकते हो
जो मेरा कनेक्शन है पूरा प्रॉपर अच्छे से कनेक्शन है। और इसका आप देख सकते हो मैनुअल जो यहाँ पे दिया है कितना, ये 200 वाट का पैनल है यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे 31 एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट करंट है, और मैक्सिमम पावर इसका 9.72 एम्पियर तक है इसका, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये भी देख सकते हो आप, ये भी पावर टेक कंपनी का ये पैनल है जो कि पोली पैनल, ये 290 वाट का है और ये 44 वोल्ट देता है और 8.50 एम्पियर तक ये मैक्सिमम एम्पियर ये जनरेट कर सकता है। तो अभी कितना एम्पियर दे रहा है तो हम टोटल हम नीचे में देखते हैं, तो धूप देख सकते हो बहुत ही तेज़ धूप है अभी, लगभग अच्छा एम्पियर दे रहा होगा, तो नीचे जाके हम चेक करते हैं। चलते हैं हम नीचे अब। तो मैं आपको एम्पियर दिखाने के पहले आपको दिखा देता हूँ मेरा लोड, दिखा देता हूँ घर का लोड। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ओरिएंट का फैन है, 80 वाट 90 वाट का होगा, ये अभी ऑन है, सोलर पे ही अभी ये चल रहा है। और मेरा ये पीसी है, जो दुकान का पीसी है वो चलता है, तो अभी ये चार्ज इसका ऑफ है। और ये मेरा प्रिंटर है एप्सन का, ये भी इस पे चलता है मेरा इन्वर्टर पे। और ये मेरा दूसरा फ़ैन है, और रूम में मेरा दो फैन और है, एक हॉल में फ़ैन है, तो वो अभी ऑफ है फ़िलहाल, अभी यही तो यूज़ हो रहा है। तो उसका हम दिखा देते हैं टोटल कितना एम्पियर के जनरेट कर रहा है मेरा सोलर पैनल। तो नीचे चलते नीचे ही हम, तो हम सोलर के पास चलते हैं, सोलर सिस्टम के पास। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी कितना लोड है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देख सकते हो सोलर से 15.5 एम्पियर आ रहा है और 31.7 वोल्ट आ रहा है, और ये देख सकते हो बूस्ट होकर 31.3 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, यानी कि ये 15.5 एम्पियर आ रहा है और ये 31 एम्पियर से चार्ज हो रहा है हमारा, तो 31.3 एम्पियर से चार्ज हो रहा है लगभग। तो अभी 2.9 एम्पियर से ये चार्ज हो रहा है बूस्ट होकर। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर जो ये मेरा है MPPT का बस यही फायदा है कि हमारा जो भी करंट आता है, जो एम्पियर आता है, वो बूस्ट होकर चार्ज होता है। तो अभी बैटरी भी चार्ज हो रहा है, प्लस हम जैसे मैं आपको दिखाया फ़ैन का भी लोड अभी इसी पे है, तो जैसे कि ये बैटरी फुल चार्ज भी हो जाएगा तो भी एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक दिखाएगा, और उसके साथ जो लोड चलेगा वो प्लस एम्पियर दिखाएगा। तो फिलहाल अभी बैटरी तो फुल चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जितना एम्पियर आ रहा है उससे दुगना बूस्ट होकर बैटरी चार्ज हो रहा है। तो आज की वीडियो आपने देखा कि हमारा जो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो कितना बूस्ट करके चार्ज करता है, मेरा कौन सा मॉडल है, कौन सा मेरा इन्वर्टर है, आपको इस वीडियो में सब कुछ देखा है। जैसे कि देख सकते हो 12 वोल्ट का ये मेरा जो है मेरा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सपोर्ट करता है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर यदि नए हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे। और कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी आपको सवाल हो सोलर से रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो, मैं सबका जवाब दूंगा। और आपके घर में यदि नॉर्मल इन्वर्टर है उसको सोलर इन्वर्टर बनाना चाहते हो तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो मुझसे। तो थैंक यू सो मच गाइज़।